हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रवि सर फ्रॉम महावीर कॉमर्स एकेडमी। 10th के रिजल्ट्स की डेट्स अनाउंस्ड हो गई है, मोस्ट प्रोबेबली 30th जुलाई या उसके पहले भी रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो जबकि रिजल्ट्स की डेट अनाउंस हो गई है तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स में काफ़ी क्यूरियोसिटी है और कन्फ्यूजन भी है कि इस बार 11th का एडमिशन कैसे होगा, इस बार 11th के एडमिशन का प्रोसेस ऑनलाइन कैसे होगा, क्योंकि सिचुएशन इस बार थोड़ी अलग है। COVID-19 सिचुएशन चल रही है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, तो हम लोग का इस बार एडमिशन कैसे होगा, ऐसे बहुत सारे बच्चों और पेरेंट्स में कंफ्यूजन है। ये वीडियो स्पेसिफिकली मैंने कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए बनाई गई है। तो ये समझने के लिए हम लोग को पहले समझना पड़ेगा कि पहले एडमिशन कैसे होते थे। सी, प्रीवियस ईयर्स में क्या होता था, जून के मंथ में आपके रिजल्ट आते थे। तो जून के मंथ में आपके रिजल्ट आते तो बच्चे मई के एंड में स्कूल्स में जाते थे और स्कूल से उनको एक बुकलेट मिलता था। उस बुकलेट में एक एनवेलप होता था, उस एनवेलप में हर बच्चे के लिए एक लॉगिन आईडी पासवर्ड होता था। उस एनवेलप के लिए आपको 250 रुपीज स्कूल को पे करना था। तो ये एनवेलप में जो लॉगिन आईडी पासवर्ड, उसका क्या यूज था, आप क्या करते थे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ऑनलाइन वेबसाइट, जो 11th स्टैंडर्ड के एडमिशन के लिए वेबसाइट होती थी, वहां पर जाते थे और उससे आपका एक प्रोफाइल क्रिएट करते थे विद द हेल्प ऑफ दैट लॉगिन आईडी पासवर्ड। प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद आप क्या करते थे, आपका पासवर्ड चेंज कर देते थे। उसके बाद आपको दो फॉर्म भरने रहते थे, पार्ट वन पार्ट टू। रिजल्ट्स के पहले आपको पार्ट वन भरना होता है। पार्ट वन फॉर्म में क्या होता है, पार्ट वन फॉर्म काफी बेसिक इंफॉर्मेशन आपकी मांगता है। जैसे ही आप पार्ट वन फॉर्म खोलते हैं, आपको आपका सीट नंबर आपको उसमें डालना है। जैसे ही आपने अपना सीट नंबर उसके अंदर डाल दिया, आपकी सारी स्कूल्स की डिटेल वो ऑटोमेटिक फेच कर देता है। उसके बाद आपको आपका फोन नंबर, टेलीफोन नंबर, जो भी मोबाइल नंबर है, एड्रेस है, वैसी वगैरह वगैरह बेसिक इंफॉर्मेशन उसमें भरनी है और आपको वो फॉर्म सबमिट कर देना ऑनलाइन। हाँ, अगर किसी का रिजर्वेशन है, कोई स्पेशल रिजर्वेशन है, कोई कास्ट का स्पेशल रिजर्वेशन है, तो उसको वो रिजर्वेशन के साथ साथ वो फॉर्म को अप्रूवल लेना पड़ता था। मतलब पार्ट वन फॉर्म का अप्रूवल लेना पड़ता। कहाँ से ये अप्रूवल लेते थे, स्कूल से अप्रूवल ले सकते थे या गाइडेंस सेंटर से अप्रूवल ले सकते थे। अप्रूवल लेने के बाद ही वो पार्ट टू फॉर्म भर सकते। बाकी जो जिनके कोई रिजर्वेशंस नहीं है, वो डायरेक्टली पार्ट टू भी भर सकते हैं। पर पार्ट टू फॉर्म कब भरना है, रिजल्ट्स आने के बाद, जो पहले का प्रोसीजर है। तो जैसे ही आपके रिजल्ट्स आते थे, आप पार्ट टू ओपन करते थे विद द हेल्प ऑफ लॉगिन आईडी पासवर्ड, आपके सारे मार्क्स आपके डिस्प्ले हो जाते। सिर्फ एक साइंस के मार्क्स आपको अंदर फेच करने होते थे। उसके बाद आपको कॉलेजेस सिलेक्ट करने के, आपके परसेंटेज के हिसाब से आपको लगता है कौन सी कॉलेजेस में आपको जाना है। तो पहले कैसा था कि 35 कॉलेजेस मिनिमम भरनी पड़ती थी, फिर रूल्स चेंज हो गए, आप चाहे तो एक कॉलेज भी सबमिट कर सकते हो उसके अंदर, या वेरियस कॉलेजेस भी सबमिट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये आता है, जो कॉलेज डालते हैं उसका कॉलेज का कोड कहाँ से मिलेगा, तो आपकी जो बुकलेट दी हुई थी ना स्कूल से, उस कॉलेज की बुकलेट में जो कोड है, वो कोड आपको इंसर्ट करना है। तो इस हिसाब से, आपके हिसाब से आप सारी कॉलेजेस आप डाल दीजिए और फॉर्म को क्या कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। अब क्या होगा, राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री स्टार्ट होगा। समझो पहला राउंड आया, पहला लिस्ट लगा, उसमें आपका कोई कॉलेज में नाम आ गया, आपको लगता है मुझे ये कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप क्या करेंगे, वहां पे जाके आपकी सीट कंफर्म कर लेंगे। जैसे ही आपने सीट कंफर्म कर ली, आप ये ऑनलाइन प्रोसेस से बाहर हो गए। आप ये क्या हो गए, ऑनलाइन प्रोसेस से बाहर आ गए। आपको बस अब वो कॉलेज मिल गया, आपको आगे कोई फॉर्म भरना नहीं है। पर समझो अगर आपका वो फर्स्ट लिस्ट में नाम आता है और आपको लगता है नहीं, इससे बेटर कॉलेज मुझे मिल सकता है, तो आप वहां पे जाके सीट को रिजर्व मत करिए, आप राउंड टू में आपका फॉर्म फिर से भरिए। मतलब आप एडिटिंग कर दीजिए, आपको कुछ कॉलेज की सीरीज में चेंज करना है या वैसा का वैसा वही कॉलेजेस रखना है, तो आप वो फॉर्म को, फॉर्म टू को सबमिट कर दे, पार्ट टू फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। इस हिसाब से आपको जो भी कॉलेज बाद में राउंड टू या राउंड थ्री में मिलता है, आपको सेटिस्फाइड है, तो आप वो कॉलेज को सिक्योर कर लीजिए। पर समझिए, आपका पार्ट राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री, जितने भी राउंड, उसमें आपका नाम नहीं आता ऑनलाइन प्रोसीजर में, तो एक स्पेशल राउंड चलता है जिसमें आप फिर से दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। उसमें भी राउंड वन राउंड टू होता है। अगर उसमें भी आपका नाम नहीं आता है, तो एक अलग से स्कीम थी गवर्नमेंट की, फर्स्ट कम फर्स्ट इन, पहले आओ पहले पाओ। मतलब एक लिस्ट खुलता था, उसमें कैसा, 80% वालों को डेट और टाइम दिया जाता था, 60% वालों को डेट और टाइम दिया जाता था। 10 बजे फॉर एग्जाम्पल वो वेबसाइट ओपन होता था और हर कॉलेज में कुछ नंबर ऑफ सीट्स रहती थी,
अब जिसने पहले वहां पे सीट रिजर्व कर दी, पहले वो 35% वालों का उसने पहले देखा कि ये कॉलेज में सीट अवेलेबल है तो उसको सीट मिल जाएगी, और 80% वाले ने आधे घंटे बाद देखा तो शायद उसको सीट नहीं मिलेगी। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला ये प्रोविजन वहां पे होता था। तो इस हिसाब से पूरा का पूरा प्रोसीजर था। बट इस साल चेंजेस है, सिचुएशन डिफरेंट है। तो इस बार क्या क्या, मोर और लेस प्रोसीजर वो है पर माइन्यूट चेंजेस है एडमिशन प्रोसीजर में ऑनलाइन। तो उसमें कौन कौन से चेंजेस है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम लोग को 15 जुलाई से ये फॉर्म भरने स्टार्ट कर देना है नए प्रोसीजर के हिसाब से। आप बोलोगे 15 जुलाई कैसे, हमारा रिजल्ट्स तो 30 जुलाई को आने वाला है, तो 15 जुलाई से कौन सा फॉर्म भरना है? नहीं, 15 जुलाई से आपको पार्ट वन फॉर्म फिल करना है। 15 भले आपका रिजल्ट नहीं आया, फिर भी रिजल्ट के पहले आपको पार्ट वन, ये सबसे बड़ा चेंज है, पार्ट वन फॉर्म आपको फॉर्म भरना है। पहले क्या होता था कि आप स्कूल में जाते थे, बुक लेट कलेक्ट करते थे, उसमें एनवेलप होता था, उधर से आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलते थे। इस बार ये चीज नहीं करनी है, स्कूल से आपको बुकलेट नहीं मिलने वाला है। तो क्या करना है, 15 जुलाई को आपको जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाना है, आपका प्रोफाइल क्रिएट करना है, आपको रजिस्टर करना है आप अपने आप को, उससे आप लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करेंगे। अब रजिस्टर करेंगे उसके लिए आपको ऑनलाइन 150 से या 250 रुपीज ऑनलाइन पे करना है, स्कूल में जाके कुछ भी नहीं करना। ये कैसे होगा, ये आपका 15 जुलाई के जब ओपन होगा वेबसाइट तो उसमें पूरा प्रोसीजर होगा। तो क्या करना है, आपको वेबसाइट पे जाना है, आपका प्रोफाइल क्रिएट करना है 15 जुलाई के बाद, और रजिस्टर करना है आपने आपको। अब वो रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा, उस लॉगिन आईडी पासवर्ड से आपको क्या करना है, पार्ट वन फॉर्म एग्जाम के पहले पहले फिलअप करना है। कैसे करना है, वही आपकी बेसिक सीट नंबर डाल दीजिए, आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन उसके अंदर पूरी की पूरी आ जाएगी, सारी की सारी बेसिक इंफॉर्मेशन। फिर आपको एड्रेस, फोन नंबर, जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो भरनी है, और उसको 30 जुलाई के पहले पहले सबमिट कर देना है, रिजल्ट के आने से पहले पहले वो सबमिट कर देना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये लिंक कब अवेलेबल होगा, 15 जुलाई से ये लिंक अवेलेबल होगा। अब जिन लोगों का रिजर्वेशन था, तो पहले क्या होता था, आपका शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, बहुत ज्यादा अदर रिजर्वेशंस भी है, तो वो उसका अप्रूवल लेना पड़ता था। वो अप्रूवल आप कहां से लेते थे, स्कूल से लेते थे या गाइडेंस सेंटर से। इस बार कहीं पे भी जाने का जरूरत नहीं है आपका। फॉर एग्जाम्पल कोई भी कास्ट रिजर्वेशन है, तो उसका जो भी सर्टिफिकेट होगा वो आप स्कैन करके अटैच कर दीजिए, और ऑनलाइन ही उसका अप्रूवल भी मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, ऑनलाइन उसका अप्रूवल मिल जाएगा। आपको ये अप्रूवल मिलेगा उसके बाद ही आप पार्ट टू फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये पार्ट वन फॉर्म तो फिल हो गया, जैसे ही आपके रिजल्ट्स आएंगे पार्ट टू फॉर्म की लिंक स्टार्ट हो जाएगी। उसके पहले आप पार्ट टू नहीं भर सकते रिजल्ट के पहले, रिजल्ट आने के बाद आप पार्ट टू फॉर्म भरेंगे। अब पार्ट टू फॉर्म में आपको क्या करना है, पार्ट टू फॉर्म में आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली फेच होंगे, लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप पार्ट टू फॉर्म खोलेंगे तो आपके मार्क्स पहले से ही फेच होंगे, सिर्फ साइंस का मार्क्स उसके अंदर लिखना है। फिर कॉलेजेस भरना है, कॉलेजेस के कोड मिलेंगे आपको, जो ऑनलाइन रजिस्टर आपने किया उसमें कोड्स लिखे होंगे, आपको कोड लिखना है। आपको मिनिमम एक कॉलेज डालना है या 20 कॉलेज डालना है, आपके पास ऑप्शन है, आप जितनी कॉलेज मिनिमम भी डाल सकते हैं, मैक्सिमम भी डाल सकते हैं। फिर वही प्रोसीजर होगा, लिस्ट वन, लिस्ट टू, लिस्ट थ्री, जिस लिस्ट में भी आपका नाम आता है और आपको लगता है इस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है, तो अपनी सीट रिजर्व कर दीजिए। अगेन कॉलेज में जाके सीट रिजर्व नहीं करना, वो भी ऑनलाइन ही करना है। जो भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, वो कॉलेज का आपका एक रिक्वायरमेंट होगा कि आपको कुछ ना कुछ अटैचमेंट वहां भेजना है, तो उसको स्कैन कर दीजिए, अटैचमेंट भर अटैच कर दीजिए, और उस एडमिशन, उस कॉलेज में एडमिशन सिक्योर कर दीजिए। कहीं पे भी कॉलेज में जाना नहीं है, सब कुछ आपको घर बैठे बैठे यहीं से करना है। फॉर्म कैसे भरना है, उसके लिए आप अपने कॉलेज से हेल्ले ले सकते हो या आपके सीनियर से हेल्प कर ले सकते हो, ज्यादा कुछ चेंज है, बहुत ही बेसिक है। तो आपको पार्ट टू में क्या करना है, फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, जब भी है आपको सिक्योर कर देना, जो भी कॉलेज आपको जमता है उसमें आप सिक्योर कर दीजिए। ध्यान रखो इस बार फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व राउंड नहीं होने वाला है, वो स्क्रैप कर दिया है, पहले आओ पहले पाओ वाला राउंड नहीं होने वाला है, स्क्रैप हो गया। आपको ऑनलाइन ही एडमिशन लेना है,
आपको ऑनलाइन ही एडमिशन लेना है, ऑफलाइन स्क्रैप हो गया। आप सोचेंगे अगर मेरा ऑनलाइन में नहीं आया, मैं प्रिंसिपल पे जाके, प्रिंसिपल के पास जाके ऑफलाइन एडमिशन ले लूंगा, तो वो प्रोसीजर अब वर्कआउट होने वाला नहीं, गवर्नमेंट ने वो पूरा का पूरा स्क्रैप कर दिया है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपको ऑनलाइन में ही आपका एडमिशन सिक्योर करना है। तो क्या चेंजेस है, सबसे पहले स्कूल से आपको बुकलेट नहीं मिलने वाला है, एनवेलप नहीं मिलने वाला है। आपको क्या करना है, 15 जुलाई से आपको सेकंड चेंज किया, 15 जुलाई से आपको क्या करना है, ऑनलाइन आपका फॉर्म भरना है बेसिक इंफॉर्मेशन वाला, 30 जुलाई के पहले पहले। रजिस्ट्रेशन भी आपका ऑनलाइन होगा, जो पेमेंट था 250, अब वो 250 या 150 जो भी है वो भी ऑनलाइन ही पे करना है। इस तरीके से आपको पूरा पूरा ऑनलाइन न्यू प्रोसीजर फॉलो करना है। होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर आपको कुछ भी और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। थैंक यू एवरीवन।